तस्वीरों में ही बच्चे देखती रह जाऊंगी कि मैं, रब जाने मेरे आंगन विच कब किलकारियां गूंजेंगी। अरे ऐ की होया? झगड़ा हो गया एक। झगड़ा? लेकिन आपके माथे से तो खून बह रहा है। आप आओ बैठो यहाँ, मैं अभी हल्दी लेकर आती हूँ। ये झगड़ा हुआ कैसे? खेतों में हुआ क्या कुछ? कुछ नहीं हुआ खेतों शेतों में। वो कमीना है ना भक्तावर, रतन पर जैनू अकेले खेत में बैठ कर बदतमीजी करने लग गया, उल्टी सीधी गल्ला करने लगा। क्या लगता है उसका कि रतन पर जैजी नाला कोई नहीं है? मेरा तो मन किया ना काट के फेंक दूं उसका। मैं गया उसे समझाने धमकाने, पता की करने लग गया, मेरे ऊपर उंगली उठाने लग गया। कहता है कि रतन परचाई और मेरे बीच ऐसी बातें करने के लिए मेरी जबान भी मेरा साथ नहीं दे रही। आपकी जबान साथ दे ना दे, वो एक अकेला इंसान नहीं है जो इस तरह की बात कर रहा है। पिंड विच सभी लोग यही बातें कर रहे हैं। अरे लोगन तो मौका चाहिए ना बोलने का, और आप उन्हें खुद ही मौका दे रहे हैं। अरे मुट्ठी भर तो गांव है हमारा, जुबान से जुबान जुड़ी है यहाँ लोगों की, एक इंसान बोला नहीं और चौपाल में सबके होठों पर यही बात होगी। लोगा तो काम ही है, राई का पहाड़ बनाते रहते हैं। लेकिन राई तो है ना जी, ये तो तू की कह रही है गुरप्रीत? मेरी बातों का आपको कोई फर्क पड़ता है? जब लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर एक इंसान और से। देखो मेरा काम है आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी। चैन से जीना चाहते हो ना तो दूसरों की निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा और खास तौर से एक अकेली औरत की जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करो। अरे इंसान के खुद के हाथ में होता है कि अपनी पगड़ी की गांठ कैसे मजबूत रखे। क्या बकवास की जा रही है तू? तो की करा मैं? आज जब रतन परजाई नु तकलीफ है, उनकी मदद मैं नहीं करांगा तो कौन करेगा? अपने घर से ज्यादा मेरा बचपन उनके घर में बीता, और आज जब उस घर की जनानी को मेरी लोड है तो मैं उनकी मदद ना करूं, अकेला छोड़ दो दुनिया से लड़ने के लिए ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होना ये सब। देखो जी, गांव वालों के बोलने का आपको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे बहुत पड़ता है, और मुझसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती। गुरप्रीत, गुरप्रीत क्यों? कतार, ओए कतार, क्या हुआ पता? गुरप्रीत, ओए कतार क्या हुआ? पता नहीं, उठो उठो पता, उठ बहुत दर्द हो रहा है क्या? रतन जा जल्दी से एक बोतल में गर्म पानी ले आ, सेक करेंगे ना तो इसे आराम मिलेगा। हाँ जी, रहने दीजिए परजाई जी, अपने आप कर लेंगे। गुरप्रीत कैसे पराया जैसे बात ही कर रही है? कौन समझता है आपको इस घर में पराया? आप तो अपनों से भी अपनी। मैंने लगता है घरेलू इलाज से कुछ नहीं होगा, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। करता एक काम करते हैं पुत्र, तू सवारी का इंतजाम कर, हम अस्पताल लेके चलते हैं इसको। ठीक है। गुरप्रीत रणवीर वीरा। हाँ ताई जी। ए पुत्र तेरी बीजी का फोन आया था मेरे पास, तेरी गुरप्रीत चाची है ना
उसकी तबीयत अचानक ज्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए उसको लेकर तहसील के अस्पताल गई है तेरी बीजी। आने में ना कुछ देरी हो जाएगी, तो तुम दोनों खाना खा लेना। पर ताई जी, वीरा और मैंने तो पहले ही खाना खा लिया है। वो क्या है ना, वीरा में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अगर बीजी का फोन फिर से आए तो उन्हें कहना कि वो भी कुछ खा ले। और बीजी ने ये भी कह देना कि मैं वीरा को दूध पिला के सुना दूंगा। दूध? दूध नहीं पीना मानू, भागो। ताई जी, आप चिंता ना करो, जब मैं भी छोटा था ना तो मैं भी दूध का नाम सुन के भागता था, पर बीजी मैंने दूध पिलाई देती थी। मैं भी वीरा को दूध पिलाई दूंगा, चिंता ना करो। पुत्र, तेरे होते वीरा की किसी को चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है, उसके लिए तो उसका वीर ही काफी है। अच्छा, मैं चलती हूँ बेटे। डॉक्टर साहब, वो ठीक है ना? कुछ घबराने की तो बात नहीं। देखिए, फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, टेस्ट किए जाने बाकी हैं, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं आपको सारी बात बता पाऊंगी। वैसे लग रहा है मरीज की बच्चेदानी में सिस्ट है, मतलब एक छोटा सा फोड़ा, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाय रब्बा। पर डॉक्टर साहब, मेरी गुरप्रीत को कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए, हौसला रखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल पूरी रात उन्हें आराम करने दीजिए, सुबह हमारे बड़े सर्जन आके चेकअप करेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। कितने दिनों से बेचारी तकलीफ झेल रही है, और मैं काम की वजह से उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ला पाया। चिंता ना करी करतार, रब की कृपा से सब चंगा हो जाएगा। शायद गुरप्रीत की इसी तकलीफ के वजह से उसकी गोद ना भर पाई हो। अच्छे से इलाज हो जाएगा ना तो तुम्हारे आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। जी, बहुत रात हो गई है, बच्चे घर पर अकेले हैं। रतन, गुरप्रीत को इस हालत में छड़ के जाने को दिल तो नहीं करता। चाहे जी, बच्चे घर में अकेले नहीं होते तो मैं आपको जाने को नहीं कहती। मैं समझती हूँ। एक काम करते हैं, तू यहाँ रुक जा गुरप्रीत के पास, मैं बच्चों के पास चली जाती हूँ। लेकिन ध्यान रखना पुत्र, रात को अकेला इसको मत छड़ना। हाँ, और हाँ पुत्र, कोई भी गलबात हो ना तो मेरे को फोन जरूर कर लेना। मैं कार जाती हूँ, बच्चे अकेले है ना, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। चल दूध पी ले। वीरा, मैंने पता है तू नाटक कर रही है, चल छिट्टी छिट्टी उठ और दूध पी ले। वीरा, उठ के देख तो सही, मैंने इसमें मलाई भी नहीं आने दिए और तेरे पसंद वाला पाउडर भी मिलाया है, देख। चल उठ और फटाफट पी ले।
उसी में सो गई। कोई गल नहीं, मैं दूध रसोई में रख के आ जाता हूँ। गड्डी क्यों बंद पड़ गई? क्या होया? एक मिनट देखता हूँ। देख पुत्र। जी आप लोग दूसरी सवारी कर लो, गड्डी खराब हो गई, रेडिएटर फट गया जी। अब तो कल सुबह आकर मैकेनिक की ठीक करेगा गड्डी को। पति, अरे रब्बा, अरे पर ऐसे कैसे खराब हुई गड्डी आधे रास्ते में तेरी? तू कुछ भी कर, गड्डी ठीक कर, मेरे को घर पहुंचा, बस मेरे को कुछ नहीं मालूम है। कर ना कुछ गड्डी को। ओ जी मेरे हाथ में होता तो जरूर करता, अब मैं आपको लेकर दौड़ तो सकता नहीं जी। और मैं कह भी नहीं रही तेरे को मेरे को लेकर दौड़ने के वास्ते, मेरे बच्चे घर पे अकेले होंगे, सारी रात अकेले कैसे बिताएंगे। चल ठीक है, एक फोन कर लूं फिर उतरती हूं गड्डी से। हाँ जी कर लीजिए कर लीजिए। इसको करूं जब पे की मां को करती हूं, उसको कहूंगी दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चली जाए, उसके घर पे ना बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हाँ ये गल ठीक है। हाय रब्बा, ये तो फोन ही मर गया, इतने तो फोन लग ही नहीं रहा, हूं की करा। ओए सच्चे बादशाह मदद कर, मेरे दोनों बच्चे छोटा चंद थे वीरा, ये करेंगे सारी रात। विजी ये आवाज कैसे आ रही है? बिजली कड़क रही है। विजी वो अपने घर के बल्ब से निकल के आसमान में कड़कती है। नहीं वीरा, घर के बल्ब अलग होती है, आसमान की बिजली अलग होती है। विजी जैसे लगता है कि कोई राक्षस ने पद्दू मारे हो। वीरा रसोई में मोमबत्ती है, अगर उसे लाकर जला लेंगे ना तो उजाला हो जाएगा, डर नहीं लगेगा।
चल लेके आते। देवी जी मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मैं डर लगता है, बहुत अंधेरा है बाहर। अंधेरा मिटाने के लिए तो मोमबत्ती की जरूरत है। चल वीरा। देवी जी मैं डर लगता है, मैं नहीं जाना अंधेरे में। ठीक है तो मैं अकेला ही लेकर आता हूँ, तू थे बैठे रहना, डरना नहीं। वीजी, अगर पीछे से बिजली और एक बार कड़क गई तो तू अपने कान में ऐसे उंगली डाल के बैठ। मीरा, देना नहीं, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना बीजी। जय जी जा। करतार तुसी चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा गुरप्रीत, रब सब ठीक कर देंगे। बस तुसी हिम्मत ना हारो, कमजोर ना पड़ो। पूरी कोशिश कर रहा हूं जय जी, अपने आप को संभालने की। पर जय जी आपसे एक बात कहनी थी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, पिछले 5 सालों में आपके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप टूटी नहीं, बड़ा मजबूत दिल लेकर बैठी हो आप। घर का काम, बच्चे, खेतों का काम, सब कुछ बखूबी निभा रही हो, बिना कमजोर पड़े, बिना टूटे। कोई और जनानी होती तो अब तक टूट चुकी होती। और आप परचय जी, आप कैसे कर लेती हैं, वो भी बिना किसी शिकायत, बिना किसी कड़वाहट। कोई और जनानी होती तो उसके मन में इतना जहर भर जाता कि मदद करना तो दूर, उसके साये से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। सच पर जाए जी, जिंदगी कैसी जीनी चाहिए कोई आपसे सीखे। कैसे कर लेती हो आप ये सब? तुम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हो, मैं संपूर्ण सिंह की पत्नी हूं, उनके साथ रहते बड़ी से बड़ी मुश्किल कभी सर पर नहीं मंड रहे। किस्मत ने जो भी रंग उनके सामने लाकर रखे, उन्हें रंग को बड़ी शान से उठाकर उन्होंने अपनी जिंदगी रंग दी। एक बात हमेशा कहते थे वो कि जिंदगी को कभी बदलने की कोशिश मत करो, जिस रूप में आए उसी रूप में अपना लेना। और आज वही हौसला काम आ रहा है। अजय जी मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, पर आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको सच में पूरा विश्वास है कि संपूर्ण वापस आएगा? पीर की अरदास
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।